हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में पढ़ा था और आज हम EDTA टाइट्रेशन में जो इंडिकेटर काम में लिए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत से ऑर्गेनिक डाइज को EDTA टाइट्रेशन में इंडिकेटर के रूप में काम में लिया जाता है। ये डाइज मेटल आयन के साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं जिसका कलर बहुत डार्क होता है। किसी भी सॉल्यूशन में मेटल सूचक कॉम्प्लेक्स का निर्माण धातु आयन की मेटल आयन की एक स्पेशल कंसंट्रेशन पर होता है। ये कंसंट्रेशन रेंज प्रत्येक धातु आयन पर इंडिकेटर के लिए स्पेसिफिक होती है। इन टाइट्रेशंस में मुख्यतः सूचक एरियोक्रोम ब्लैक टी को हम काम में लेते हैं जो कि निम्न प्रकार की संरचना व्यक्त करता है। एरियोक्रोम ब्लैक टी का हम दो फॉर्मूले यहाँ नीचे दिए हैं, एक अनआयनित जिसका कि रंग काला होता है और एक जब वो आयोनाइज हो जाता है तो उसका रंग लाल हो जाता है। आपको दिखाई दे रहा है SO3H पर लगा हुआ है ये अनआयनाइज है और SO3 माइनस चार्ज लगा हुआ है ये आयोनाइज एरियोक्रोम ब्लैक टी है। जब इस सूचक का SO3H समूह जलीय माध्यम में आयनित होता है तो प्राप्त नेगेटिव आयन का जो कलर है वो रेड होता है। इस इंडिकेटर को H3 इंडिकेटर के वियोजन को निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। जब pH 6 हो तो सॉल्यूशन में इंडिकेटर के वियोजन को निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं, H3 इंडिकेटर प्लस H2O गिव्स H3O पॉजिटिव प्लस H2O इंडिकेटर माइनस। जब pH 7 हो तो H2 इंडिकेटर का वियोजन इस तरह से होता है, H2 इंडिकेटर माइनस प्लस H2O गिव्स H3O प्लस H इंडिकेटर माइनस। और H इंडिकेटर माइनस 2 प्लस H2O इज इक्वल टू H3O प्लस H इंडिकेटर माइनस 3। ये समीकरण ये व्यक्त करती है कि विलयन का pH 6 से कम होने पर ये लाल रंग के H2 आयन माइनस के रूप में उपस्थित होती है, जबकि pH 7 या अधिक होने पर ये नीले रंग के H आयन 2 माइनस के रूप में उपस्थित होते हैं। अधिक क्षारीय विलयन में सूचक नारंगी रंग का इंडिकेटर 3 माइनस के रूप में रहता है। ये इंडिकेटर के बारे में बात हुई। अब हमारा टॉपिक है EDTA टाइट्रेशन। EDTA की टाइट्रेशन को हम कैसे करते हैं? इस टाइट्रेशन के लिए EDTA के सोडियम साल्ट को ब्यूरेट में भरा जाता है और मेटल आयन के सॉल्यूशन को फ्लास्क में लिया जाता है। अब मेटल आयन सॉल्यूशन में एरियोक्रोम ब्लैक टी के सोडियम साल्ट की उचित मात्रा को डाला जाता है जिससे मेटल आयन और इंडिकेटर का कॉम्प्लेक्स बनता है। इस फ्लास्क को उचित pH का बफर भी इसमें डाला जाता है। तो मेटल इंडिकेटर धातु आयन सूचक का जटिल इंडिकेटर जो कि कम स्थायी होता है वो EDTA के साथ रिएक्ट करके एक मुक्त सूचक नीले रंग का और धातु आयन EDTA कॉम्प्लेक्स जो कि अधिक स्थायी होता है बनाता है। इस टाइट्रेशन में जो मेटल आयन है वो सूचक जटिल मेटल इंडिकेटर लाल रंग का होता है, अतः बिंदु के पास मुक्त एच आयन माइनस 2 सूचक का रंग नीले रंग का होता है। बफर का pH 10 होता है। अंतिम लाल से नीला रंग एंड पॉइंट कहलाता है। मतलब धातु आयन के साथ जब हम इंडिकेटर डालते हैं और EDTA डालते हैं तो वो लाल होता है, लेकिन जैसे जैसे हम EDTA को डालते जाते हैं तो ये रंग जो नीले में कन्वर्ट होता है। जब लाल से रंग नीला होता है तब हम उसको EDTA टाइट्रेशन का एंड पॉइंट कंसीडर करते हैं। मेटलोक्रोम इंडिकेटर धातु आयन सूचक, ये कैसे क्या इंडिकेटर है? धातु आयन के विलयन डालते हैं जिससे विलयन की pH इस धातु आयन के विलयन में पहले बफर डालते हैं जिससे विलयन की pH स्थिर हो जाती है, फिर धातु इंडिकेटर डालते हैं। धातु आयन सूचक के साथ निम्न प्रकार से क्रिया करता है, मेटल प्लस इंडिकेटर गिव्स मेटल इंडिकेटर, फिर EDTA डालते हैं जिसकी अभिक्रिया इस प्रकार होती है कि मेटल प्लस
मेटल के साथ EDTA कॉम्प्लेक्स बनाता है और इंडिकेटर फ्री हो जाता है। ये तभी संभव है जब मेटल EDTA का स्थायित्व मेटल इंडिकेटर के स्थायित्व से अधिक हो। फिर टाइट्रेशन के सॉल्यूशन में जब धातु आयन उपस्थित रहते हैं तब तक मेटल इंडिकेटर बनाते रहेंगे, अंत बिंदु पर धातु आयन समाप्त हो जाएंगे तथा सूचक मुक्त हो जाएगा एवं पूरा विलयन उस सूचक के रंग का हो जाएगा। एरियोक्रोम ब्लैक टी या सोलोक्रोम ब्लैक टी जो है इंडिकेटर के रूप में काम में लिए जाते हैं। यह डाई हैं जो सोडियम 1 हाइड्रोक्सी 2 नेफ्थेलाइजो 6 नाइट्रो 2 नेफ्थोल 4 सल्फोनेटो होते हैं। इसमें दो फिनोलिक ग्रुप अर्थात ये द्विक्षारकीय होता है। H2 इंडिकेटर में से माइनस एच आयन निकल जाए तो H इंडिकेटर -2, एक और एच आयन निकल जाए तो वो इंडिकेटर -3 है। तो यहाँ पर जब ये ब्लू कलर का है तो pH इसकी 7 से 10 है और फिर ये और अगर आगे रिएक्शन करता है तो पीला नारंगी रंग का होता है। जब मैग्नीशियम आयन से क्रिया कराई जाती है तो लाल रंग का कॉम्प्लेक्स बनता है जो मैग्नीशियम प्लस एच आयन से मैग्नीशियम इंडिकेटर रेड कलर का कन्वर्ट हो जाता है। जब EDTA के टाइट्रेशन करवाते हैं तो एंड पॉइंट पर लाल से नीले में परिवर्तित होता है क्योंकि EDTA मेटल आयन का कॉम्प्लेक्स अधिक स्थायी है जिससे वह सूचक धातु आयन संकुल को विघटित करेगा और अंतिम बिंदु पर सूचक धातु आयन को मुक्त करेगा। तो ये मैग्नीशियम इंडिकेटर तो लाल रंग का है, ये जब मैग्नीशियम वाई हो जाता है तो ये नीले कलर का होगा और यहाँ पर हम देखते हैं कि आयन जो है वो संकुल में विघटित हो जाएगा और अंतिम बिंदु पर ये धातु आयनों से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुमापन जो EDTA का है वो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एक मुख्य टाइट्रेशन है क्योंकि इसमें मेटल आयन और EDTA का कॉम्प्लेक्स बनता है। यहाँ पर हम बफर सॉल्यूशन और इंडिकेटर को काम में लेते हुए इस तरह की टाइट्रेशंस करते हैं। तो आज हमारा ये टॉपिक जो है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीट होता है। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक बार आप शुरू से लेकर आखिर तक वापस देख लीजिएगा क्योंकि इसके बाद मैं आपको इस टॉपिक पे टेस्ट दूंगी।